डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई एवं डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान करवाए। महिला दिवस अब एक दिवसीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। यही कारण है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अब तक लोग अपने अपने तरह से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई सेक्टर 6 एवं डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 में महिलाओं के लिए एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें विशेष तौर पर डॉक्टर सुलभा बारवे एवं डॉक्टर अर्चना गायकवाड़ आमंत्रित की गई। यह दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस सेमिनार का सिर्फ एक ही मकसद था कि अक्सर महिलाएं अपनी समस्याओं को किसी से बताती नहीं है, या तो उन्हें संकोच होता है या फिर उन्हें शर्माती है। इसी झिझक को दूर करने के लिए महिलाओं एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक साथ मिलने का मौका मिला, जिसका लाभ महिलाओं ने भरपूर उठाया। दोनों ही डॉक्टरों ने विजुअल के माध्यम से महिलाओं को अपने अंदर होने वाले सामूहिक बदलाव के बारे में जानकारी दी और उसके उपचार भी बताए। इस सेमिनार को लेकर आयोजक एवं सेमिनार में सेवा देने वाली डॉक्टरों ने जहां इस सेमिनार के उद्देश्य को बताया, वहीं इस सेमिनार में शामिल होने वाली महिलाओं ने इस सेमिनार को बेहतर बताते हुए ऐसे और सेमिनार आयोजित करने की बातें कही हैं। हाँ, मेरा नाम है सुलभा वावरे। स्वास्थ्य शिविर जैसे शिविर नहीं बोलने चाहिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए आपने, मतलब आपको अगर महामारी बंद हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका निवारण अपन किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर ये हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको। और उनका मैंने सबका जो क्वेश्चन मेन ये पूछते हैं, तो मुझे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, कि भाई मुझे मतलब बहुत गर्मी लगती है, धड़कन लगती है, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो उसको हम लोग पहले भी मैंने बता चुके हैं कि शरीर में जो महावारी बंद होने के बाद जो डिम्बाशय है, ओवरीज है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो हार्मोन्स नहीं आते हैं, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आती है करके। मेरे साथ तो डॉक्टर उदय धावड़े जी ने ही संपर्क किया है और उन्होंने ही बोला था कि बहुत लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स हम लोग एक बड़ा ग्रुप में अगर सॉल्व कर पाए उनके प्रॉब्लम, तो इसके लिए हम एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करेंगे करके, ये उन्हीं के थ्रू हुआ है। डॉक्टर अर्चना गायकवाड़ हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हमने आज यहाँ एक महिला स्वास्थ्य शिविर तो नहीं बोलना चाहिए, एक स्वास्थ्य सेमिनार आयोजित किया हुआ है। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और महिला डॉक्टर्स द्वारा ही इनको जानकारी हम दे रहे हैं। इनका बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं जो अपने स्वास्थ्य को चिंतित रहती हैं और खुलकर डॉक्टर से बात नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ कुछ महिलाएं हैं जो हमको इस बारे में पूछना चाह रही हैं, तो हम उनका समाधान करने के लिए आए। तो आयोजक जो है, जिन्होंने आयोजन किया है, उनका जो प्रयास है कैसा रहा? हाँ, डॉक्टर उदय धावड़ी के सर का हमको ये प्रयास बहुत अच्छा लगा है और हम इनको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। का खोबरा गड़े, भारतीय बौद्ध महासभा महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। आजकल जो सेमिनार आयोजन हुआ है और यहाँ जो मैडम डॉक्टर वावरे जी और मैडम अर्चना गायकवाड़ जी आए हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और ये जो चर्चा है मोनोपॉज और पीरियड्स, ये जो विषय, इसमें जो महिलाएं हैं हमेशा संकुचित रहती है, उनके साथ इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है लेकिन वो शेयर नहीं करती है, उसके लिए हिचकिचाती है। तो आज ये जो परिचर्चा है स्वास्थ्य के विषय में, इसमें हम लोग आज खुल के डॉक्टर साहब मैडम से चर्चा कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारा समाधान बता रही है। और जो इसमें बहुत से जो उन्होंने अभी तक हमको बातें बताई, ये सभी महिला के साथ उसका कुछ एक ना एक पॉइंट सबके साथ होता ही है, जो उन्होंने उसके लक्षण बताए मोनोपॉज के, पहले क्या होता है, उस समय में क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये सभी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो होते ही है सबके साथ लाइफ में। डॉक्टर मैडम ने जो सलाह दिया है, जो उपचार बताए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? अभी उपचार के माध्यम से हम संतुष्ट होंगे, हमारे और भी कोई बहुत से क्वेश्चन बचे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उसका समाधान करेंगे, निश्चित ही हमको ऐसी आशा है। मैं सविता मिश्रा जी, डॉक्टर उदय गावड़े सर का ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है, जो हमारे महिलाओं के लिए जो कोशिश की गई है उनने, और ये हमारी डॉक्टर मैडम जो है हमें जो सलाह दे रही है, जो बता रहे हैं,
वो हमारे लेडीज लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लेडीज लोग एक ऐसी है कि किसी के सामने खुल के ना बात कर सकती ना बोल सकती, वो यानी मतलब हर चीज छुपा के रखती है, हर चीज चर्चा नहीं कर सकती। तो ये बहुत अच्छी पहल है सर की, धन्यवाद सर को कि ये पहल किया और हम लोगों के लिए ये निदान निकाला है। और ऐसा प्रयास हमेशा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, ताकि हम महिलाएं हैं जो खुल के हम मैडम से चर्चा कर सके। तो बहुत अच्छा प्रयास है, धन्यवाद मैडम का, दोनों मैडम का, जो हम लोगों के लिए इतना अच्छा आयोजन किया। और हमें इससे फायदा भी बहुत होगा, क्योंकि हमें उस चीज़ की जानकारी होगी जो हम नहीं जानते हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें जो हम आज खुल के चर्चा कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट हमें आगे होगा। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें महिलाओं का सम्मान विशेष तौर पर किया गया, परंतु इस सेमिनार के जरिए वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।